दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों ये रहा अपना कुछ आज का ऐसा लुक है, चलो निकलते हैं घर से। हाँ दोस्तों, अपनी गाड़ी का डिस्प्ले हो चुका है 1138 पंजाब मेल एक्सप्रेस सामने से आने वाली होगी। वो है हम लोगों की लोवर नहीं है, साइड पर वाली हम लोगों की सीट है। और अभी पूरी गाड़ी खाली पड़ी है, जो वाला चार केबिन भी खाला पड़ा है वो भी खाली पड़ी है। तो अभी तो अपन आराम से बैठ के विंडो का व्यू उठाएंगे, बैठेंगे साइड लोवर पे, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। कहाँ जाना है, पंजाब मेल से जा रहे हैं अपन छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से, बहुत एक स्पेशल काम किया था वो पूरा हो चुका है। कौन सा वो तो मैं आप लोगों को बम्बई पहुँचूंगा फिर बताऊँगा। उसका सामान रखा ये रखा हुआ है, ये अपन को देना है, फोटो वगैरह अपन को क्लिक करानी है। तो फटाफट बस ट्रेन चल दे क्योंकि 1.5 घंटा लेट है, ये डाइवर्टेड है ये ट्रेन नई दिल्ली से आगरा गेट के बीच में, कुछ इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। बाकी जैसा भी होता है मज़ा बहुत आएगा पंजाब मेल में ट्रैवल करने में। अगर ट्रैवलिंग में साइड लोवर सीट मिल जाए ना तो एक नंबर मज़ा आता है। ऐसे टिको, ये टांग फैलाओ, ये व्यू का मज़ा उठा, बस झांसी से चलने वाली है। और अपन कितनी गाड़ियों को ओवरटेक करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। फाइनली दोस्तों हम लोगों का बहुत ही खूबसूरत सा एक डिपार्चर होता है विराम में लक्ष्मीबाई झांसी से। ये और बारिश इतनी सुहानी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, काफ़ी मज़ा सा आ गया है सुहाने मौसम में ट्रैवल करने में। और ये बारिश अगर अपन को बम्बई में मिलेगी ना तो समझिए मज़ा सा आ जाएगा बम्बई में इस बारिश के साथ। वो जो घाटी आती है ना कल्याण के बाद, कल्याण से पहले आती है सॉरी, वो घाटी में देखूंगा आप लोगों को क्या मजा। और ये एक गाड़ी एक पंजाब मेल दूसरी पंजाब मेल को ओवरटेक करती हुई, वो भाई साहब पैरेलल में एक और पंजाब मेल है, देखिए क्या सही रफ्तार में गाड़ी भाग रही है हमारी, एक नंबर स्पीड अभी 130 पे। बस दिक्कत क्या है बताऊं आप लोगों को, दिक्कत ये है कि मेरे पास है साइड अपर की सीट और साइड लोवर में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अभी TC साहब आए थे, उनसे मैंने बोला कि सर कुछ एडजस्ट कीजिए, तो उन्होंने कहा भोपाल तक आप साइड लोवर में आराम से बैठिए, कोई माजरा नहीं, कोई नहीं आएगा भोपाल तक, भोपाल के बाद लोग चढ़ेंगे फिर जो भी होगा तो अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, भोपाल तक तो अपन के पास विंडो सीट है वो भी प्रॉपर वाली, तो अपन आराम से बैठते हैं और आप लोग इस प्यारे से नज़ारे का मज़ा लीजिए यार। देखिए कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है, अभी बीच में ना एक बहुत तेज़ नदी मिली थी, क्या बेतवा नदी थी पता नहीं, बेतवा तो अभी आएगी माता टीला डैम, उससे पहले कुछ छोटी सी कोई नदी थी बेतवा की ही सब रेडीज़ होंगी वहाँ से गुजर रही थी, इतनी तेज़ पानी चल रहा था। अभी बेतवा आएगी, माता टीला आने वाला है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा माता टीला पर कितनी तेज़ पानी चल रहा हुआ, एक नंबर चल रहा हुआ। आ गया क्या, कोई भरोसा नहीं है भाई, ओ आ गया दोस्तों। बस यार बाहर से ये नज़ारा दिखाते लेकिन उधर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ पानी चल रहा है, बहुत तेज़ पानी चल रहा है, हाय देखिए उतना क्लियर व्यू तो नहीं लेकिन पानी बहुत ऊपर है, लेवल जो है पानी का बहुत ऊपर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर, एक नंबर मज़ा आ रहा है, क्या बात है। ओह माता टीला के सारे गेट खुले हुए, सारे के सारे सफर का मजा ले लो आप, पी लीजिए। तकरीबन 130 किलोमीटर की रफ्तार में ये गाड़ी दौड़ रही है और क्या मज़ा आ रहा है और क्या रफ्तार है और क्या ही एसी की रफ्तार है भाई साहब। मुझे इतनी ठंड लगने लगी कि मुझे कम्बल ओढ़ना पड़ गया है, बहुत ज़्यादा सर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और मौसम का मिजाज तो आप लोग जानते ही हैं, और थोड़ी सी देर में भोपाल आ जाएगा तो हमने सोचा थोड़ा सा आराम कर लें, भोपाल में लोग भी आ जाएंगे और भोपाल में हम लोगों का खाना भी आ जाएगा। हम लोगों ने कुछ मंगाया है बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट में, जिसने भोपाल वाला व्लॉग देखा है वो जानता है, व्लॉग बनाया था नहीं शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट वीडियो जिसने देखी है उसको पता है कि भोपाल में मैंने कहाँ पर खाया था बहुत स्पेशल चीज़, तो वही मैंने ऑर्डर की है। अभी भोपाल जंक्शन में वो आ जाएगी, तो बस लोगों का इंतज़ार कीजिए मेरे खाने का, बाकी मौसम तो एक नंबर हो रहा है।
और दोस्तों जी हमारा आ गया है विदिशा जंक्शन, जो छठा स्टॉप है हमारी ट्रेन का। मौसम का मिजाज देखो यार, कितना ही तो सुहाना हो रहा है। साला मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट रुकी होगी गाड़ी, बस सिग्नल हो गया गाड़ी का चलने का। क्या बात है। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का भोपाल रेलवे स्टेशन जस्ट आने वाला है, और आ ही गया है क्या शायद से। हाँ बस बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो भोपाल आता है खाने को लेते हैं। और दोस्तों फाइनली भोपाल निकल चुका है, और भोपाल के बाद भी कोई नहीं आया मेरी सीट पे। मैं साइड डोर पर बढ़िया बैठ के अपना लंच में, मेरे पास जमजम के जो है हॉट एंड क्रिस्पी बोनलेस पीस, ये रहा मेरा बर्गर, वो है मेरा ट्विस्टर, तो मैं बढ़िया खाता हूँ और आप लोगों को रिव्यू देता हूँ खाने का, है ना। और इस सीरीज के लिए हम पहुंचे हैं वडोदरा। अभी जा रहे हैं हम अपने भाई को बंद करें। एक नंबर टेस्ट, एक नंबर। हाँ तो दोस्तों अभी का सीन ऐसा है कि देखो इटारसी जंक्शन में कोई नहीं आया मेरी साइड लोअर वाली सीट, साइड अपर वाली थी। अब मैं साइड लोअर पे अपना बिस्तर लगाऊंगा, आराम से सोऊंगा, क्योंकि रात हो चुकी है। सोएंगे बाहर, ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए यहाँ आप लोग को। तो मिलते हैं सुबह सुबह सवेरे, वो भी कौन से कल्याण से पहले, जो घाट पड़ते ना मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले घाट। वो देखो दोस्तों ऐसा कुछ है कि मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन ये है अपना खंडवा जंक्शन। मेरी आँख खुली, मैं थोड़ा सो गया था, आँख खुली तो खंडवा जंक्शन से अपन क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी ने क्या रफ्तार पकड़ ली है, एक नंबर। खंडवा जंक्शन बहुत बेहतरीन। चलो चले अंदर अपन। 11 बज गए भैया, 11, नींद नहीं आ रही है मुझको दोबारा। अब मैं जाऊँगा थोड़ा सा और मूवी वगैरह देखूंगा और सो जाऊंगा यार, सुबह में जाएंगे अपन, है ना। मैंने कब देख बोर्ड क्या था तो आप लोग खंडवा जंक्शन दिखा दिया, इसके बाद आएगा बुरहानपुर, तो 2-3 जंक्शन ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उठ चुके हैं अपन और कुछ ही किलोमीटर में अपना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया नींद आई और एक नंबर मन ना दादा में उतरने का, लेकिन सोच रहे हैं कि CST में उतरते हैं, थोड़ा ठीक रहता है मामला, वहीं उतरते हैं, मिलते हैं नीचे पंजाब में और नीचे, तो वहीं मिलते हैं नीचे आप लोगों को, तो वहीं मिलते हैं प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। ठीक है हाँ तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ये गाड़ी है अपनी गाड़ी जो कि बहुत तेज रफ्तार में चली थी, बस 1.5 घंटा लेट हो गई तब भी, लेकिन 2.5 घंटा ओह फिर से चल दी। अरे भाई साहब कहाँ चल रही है। अच्छा मैं आप लोगों को काम बताऊँ, मैं कौन से काम से आया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, तो देखिए ये रहा एक काम अपना। ओ ओ दिख रहा है, ये दिख रहा है टूर एंड ट्रेवल, ये अपना टूर एंड ट्रेवल है। हज उमरे पे अपन ने लोगों को भेजा है, अभी आज रात में नहीं कल सुबह हम लोग एयरपोर्ट भी जाएंगे उन लोगों को छोड़ने के लिए। अभी ये बैग जाके मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बहुत सारे काम करना है। ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी, कैसी नहीं आप लोग कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय दोस्तों।